इतनी मेहनत कर रहा हूँ, YouTube शॉर्ट्स पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, हर कुछ कर लिया, YouTube शॉर्ट्स पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, YouTube शॉर्ट्स पे वीडियो आखिर अपलोड करते कैसे हैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। ऑलरेडी YouTube शॉर्ट्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि YouTube शॉर्ट्स मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, क्या है YouTube शॉर्ट्स, हर एक सवालों के जवाब आपके दिए। आई बटन में लिंक दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, पहले उस वीडियो को देख लेना, वो पार्ट वन है और ये पार्ट टू है। इस वीडियो में मैं आपको फुल्ली ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि कैसे आप YouTube शॉर्ट्स में अपनी वीडियो बना सकते हो, डाल सकते हो। बहुत सारे लोगों को YouTube का फीचर्स मिल गया है शॉर्ट्स का, जिनको नहीं मिला है उनके लिए भी ये वीडियो है कि आप कैसे YouTube शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो कहीं मत जाना, वीडियो को लास्ट तक देखना और गाइस डेफिनेटली आप इसके बाद पूरा स्टेप सीख जाओगे कैसे आप YouTube शॉर्ट्स पर वीडियो बना सकते हो। छोटी सी रिक्वेस्ट यार, ऐसी वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हो तो थोड़ा हमें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब बटन है नहीं दबाया तो दबा के बेल आइकन दबा लेना, आप हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाओगे आप और हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फटाफट से बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनो, मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बंदा बीरेजुल। तो चलिए आज बनाते हैं अपना YouTube का पहला शॉर्ट्स। इसके लिए आप मेक श्योर कर लो कि आपने प्ले स्टोर से अपना YouTube एप्लीकेशन अपडेट कर रखा है। अगर आपने YouTube एप्लीकेशन अपडेट कर रखा है तभी आपको ये फीचर्स देखने के लिए मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आपको अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, देन प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, वीडियो एंड लाइव। देन कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सामने देखने के लिए मिलेगा क्रिएट अ शॉर्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको सिंपली टैप कर देना है। ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है YouTube शॉर्ट्स का, बहुत इजी है। यहाँ से अपने कैमरे को स्विच, फ्रंट और रियर पे स्विच कर सकते हो। ऊपर ऑप्शन ऐड म्यूजिक का दिया, जहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक दिए हुए जो कि नॉन कॉपीराइटेड हैं। अगर इनका इस्तेमाल करोगे तो आपको कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। बहुत सारे YouTube का कहना है कि इसमें हम और भी बहुत सारे म्यूजिक ऐड ऑन कर रहे हैं। सर्च ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अपने हिसाब से कोई सॉन्ग। बाकी बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, दो ऑप्शन देखने के लिए आपको मिलेंगे, स्पीड और टाइमर का, आप लोगों को पता है। चलिए हम सबसे पहले टाइमर को इस्तेमाल करते हैं। टाइमर हमको ये बताएगा कि आपके वीडियो कितने देर बाद स्टार्ट करनी है, 3 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, जितने सेकंड बाद स्टार्ट करनी है बस सिंपली क्लिक करके स्टार्ट कर दो। ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा स्पीड का, जैसे स्पीड पे टैप करोगे यहाँ से अपनी वीडियो की स्पीड को मैनेज कर सकते हो, कितने स्पीड से वीडियो आपकी चले, 0.5, 0.3, 1, 2, 3, ये सब चीज़ें आपको आई होप पता होंगी। अपलोड सेक्शन में ऑलरेडी अगर कोई वीडियो आपने शूट कर रखी है तो वहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो जो देख लो, यहाँ पर हमें देख गई जो हमने एक वीडियो बनाई है। अब इसको आप यहाँ से अपना कट ट्रिम कर सकते हो अगर चाहो तो। चलो हम यहाँ से कोई भी थोड़ा सा कट लगा लेंगे एंड देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर दो गाइज, यहाँ पे आपको जैसे YouTube पे वीडियो अपलोड करते समय पूछता है ना, वहाँ पे भी सेम वही चीज़ पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने वीडियो का टाइटल लिखना है, माई फर्स्ट YouTube शॉर्ट्स, ठीक है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको अबाउट के बारे में देना है, आप क्या किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो, ये सारी चीज़ें। और साथ में आपको लगाना हैशटैग शॉर्ट्स या हैशटैग शॉर्ट्स लगाना तो आपको चाहिए ही चाहिए, जिससे YouTube टीम को पता चल जाएगा कि आपने अपना शॉर्ट्स क्रिएट किया, YouTube शॉर्ट्स या हैशटैग माय फर्स्ट शॉर्ट, ठीक है। देन क्या करना है आपको, यहाँ से इसको एंटर करके वापस आ जाना है। ये तो था डिस्क्रिप्शन की बात, आप चाहो तो टाइटल में भी हैशटैग माय शॉर्ट्स लगा सकते हो, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स लगा सकते हो। अभी ये पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड का ऑप्शन है, जैसे हम लोग यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं सेम वैसे ही अपलोड करेंगे। लोकेशन अगर आपको ऐड ऑन करना है, आप कहाँ पर अपना पहला शॉर्ट्स बनाए हो तो देन आप उसके लिए भी चीज़ें कर सकते हो। प्ले लिस्ट में ऐड करना है ये आपकी मर्जी, देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको जैसे पता है कि कोपा सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आपको कोपा के बारे में हर वीडियो में बताना पड़ेगा कि आपकी वीडियो जो वो किड्स के लिए है कि नहीं है, तो मेरी वीडियो जो है वो किड्स के लिए नहीं है। डू यू वॉन्ट टू रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, नहीं, देन हम यहाँ अपलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हो गाइस, जो मेरा पहला वीडियो YouTube शॉर्ट्स है वो अपलोड हो गया। खैर मैं इसको थोड़ी देर में ही प्राइवेट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला था कितना ईजी है अपना YouTube का जो शॉर्ट्स है उसको अपलोड करना। बस इसके बाद क्या होगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उन सभी लोगों के, आपने पहला शॉर्ट्स अपलोड कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाकर चेक कर लेना। YouTube शॉर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने क्लियर किया है, तो आई होप
वो वीडियो भी आपको काफ़ी नॉलेज दे के जाएगी। ये उस वीडियो का पार्ट टू है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे स्टेप बाई आप अपना यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आई होप अब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो देर मत करो, बहुत नया फीचर है और बहुत सारे लोग इसे ग्रो कर रहे हैं। तो जाओ जाके अपना YouTube Shorts का पहला वीडियो बनाओ। जितनी चीज़ें मैंने बोला है उन सबको फॉलो करो, YouTube Shorts से वीडियो बनाओ। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाना। वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, कमेंट्स करके अपने थॉट्स YouTube Shorts के बारे में हमें बता सकते हो। जिनका कमेंट बेस्ट लगेगा मैं लाइक और पिन जरूर से कर दूंगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों जगह आपका भाई है, आगे फॉलो करो। टेक्निकल बंदा वन नाम से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड कुछ यहाँ सीख।